तो दोस्तों उम्मीद है आपका हालचाल बढ़िया होगा, और अगर नहीं बढ़िया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऐसा दिमाग घूमेगा कि क्या बताएं। इसलिए सबसे पहले हमारी वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जुबा केसरी करना तो बनता है। अरे अरे अभी तो रुक जाइए, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आज हम आपको इंटरनेट पर वीडियो बनाने वाले कुछ ऐसे नमूनों से रूबरू करवाएंगे जिनकी हरकतें देखकर आप अपना पेट पकड़ के हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों एक तरफ तो आप लोगों ने साड़ी पहनकर पल्लू ओढ़कर घर में खाना बनाने वाली भाभियों को देखा होगा, लेकिन अब जरा हमारी जोशीली भाभी से मिल लो जिन्होंने डायरेक्ट स्टेज से ही छलांग मार दी। और अगर आपको वो भी कम लग रहा है तो हमारी इन भाभी जी से मिल लो, वो अपनी दोनों टांगे उठाकर अपनी कला का जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है कि क्या बताएं। उछल कूद करती भाभियों से तो आप लोग मिल लिए, अब जरा पापा की परियों का भी हालचाल ले लो, जिनके टैलेंट का तो कहना ही क्या। मतलब मोहतरमा को कुछ और खाने के लिए नहीं मिला तो मैडम ने मक्खी गटक ली, मतलब हद है। जिस चीज को देख कर इंसान को उल्टी आ जाए वो भला इन मोहतरमा ने कैसे खा ली, उसे सोचकर ही हमारा दिमाग तो चक्कर खा रहा है। खैर किया भी क्या जा सकता है, पापा की परियों को फेमस जो होना है, लगता है इन लोगों का ठुमके वाला डांस कम पड़ गया, जो अब ये लोग मक्खी खाकर अपना नाम मिट्टी में मिलाने में लगी है। ये तो चट्टी है। और हाँ दोस्तों, अब तो आपको जितनी भी लड़कियां भाई बोले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैडम आपको भाई का असली मतलब बताएंगी। भाई बोले टेंशन नहीं लेना, BHAI का मतलब बी मतलब बेस्ट, एच मतलब हस्बैंड, ए मतलब आप हो, मतलब बेस्ट हस्बैंड आप हो, और आई मतलब आई लव यू। तो लड़कों सर उठा के जियो, जस्ट फन, डोंट माइंड, ओके। वाह कलम वाली भाई वाह। इन भाभी जी की बातें सुनकर तो साला हमारी बोलती बंद हो गई, मतलब क्या ही बोले, इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को एक अलग नाम दे दिया और पति पत्नी की बात करने लगी। सच में इस तरह का दिमाग लगाना भी टैलेंट होता है, वैसे लड़कियों के मन की बातें समझना भी किसी टैलेंट से कम नहीं है। हम तो कहेंगे इन भाभी जी की बातों को गोली मारो, और अगर कोई लड़की भाई बोल दे तो उसे बहन बोलकर हाथ जोड़ लो, वरना पति बनने के चक्कर में पड़ गए तो उसके असली भाइयों से ऐसे लात घूंसे पड़ेंगे कि शादी करने का सारा भूत उतर जाएगा। दोस्तों जहां एक तरफ बेचारे सुअर अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं, तो वहीं कुछ सुअर ठुमके लगाने से पीछे नहीं हट रहे। वाकई में दोस्तों इनकी मस्तानी चाल को देखकर तो अच्छी अच्छी हीरोइन भी शर्मा जाए। और जब नाच गाने की बात हो ही रही है तो इन भाई साहब को कैसे भूल सकते हैं, जिनके ठुमके देखकर तो शिल्पा शेट्टी अपने ठुमके भूल जाएं। दोस्तों ये तो आपको पता है कि अब प्यार मोहब्बत जैसी चीजें फालतू हो गई है, और मार्केट में निब्बा निब्बी का राज चल रहा है, जिसे देखकर बेचारे सिंगल लोगों को ऐसा पिछवाड़ा जलता है कि क्या बताएं। बहुत अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ। लेकिन वही प्यार मोहब्बत करने वालों की तो बल्ले बल्ले है, जहाँ भाई साहब को खाने के साथ साथ चुम्मा भी फ्री में मिल रहा है, वहीं हमारे जैसे सिंगल लोगों को मम्मी खाना भी गालियां देकर खिलाती है, और अगर कोई गलती कर दी तो उड़ती हुई चप्पल ऐसे गाल पर पड़ती है कि प्यार मोहब्बत का भूत एक ही बार में उतर जाता है। भारत से लेकर विदेशों तक आप लोगों ने प्रपोज करने के बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन इन लोगों का ये तरीका सबसे अलग है। जैन भाई साहब को कुछ नहीं मिला तो औरत की टांग उठाकर उसे पहले हवा में लटकाते हैं और फिर उसे फूल देते हैं, मतलब हद है। लेकिन अगर कहीं इनके इस बचपने के चक्कर में ये मैडम गिर जाती तो जिन टांगों को उठाकर ये हीरो बन रहे थे उन्हीं टांगों से लात घूंसे खाते। भाई हमें तो लग रहा है ये दोनों पक्का योगा करने वाले हैं, क्योंकि टांगों में टांग फंसा कर प्रपोज करना कहीं से भी अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे दोस्तों इस तरह की हरकत करने वाले वही लोग होते हैं जो शादी के 2-3 साल बाद कुछ ऐसा करते हुए दिखेंगे।
तो देखा आपने कैसे पहले भाई साहब ने टांग उठाई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ये मोहतरमा भाई साहब की टांग उठाकर पटकने में लगी पड़ी है। And his name is John C. और हम तो कहेंगे सिंगल लोग अब अपनी आंखें बंद ही कर ले तो बढ़िया, क्योंकि इन भाई साहब के मजे देखकर आपके सीने में ऐसी आग लगेगी कि फायर ब्रिगेड वाले भी उसे बुझा नहीं पाएंगे। मतलब ये भाई साहब मजे से बैठकर जिंदगी के सारे सुख ले रहे हैं, और हमारे सिंगल भाई लोगों को अभी भी वीडियो देखकर काम चलाना पड़ता है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? वैसे सच सच बताइएगा, क्या आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर एंजॉय करते हैं, या फिर इन भाई साहब की तरह नेक्स्ट लेवल के सिंगल हैं जिन्हें किसी लड़की से तो चुम्मा मिलता नहीं है, तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पुतले से ही काम चला लेते हैं। और फिर जनाब ने ऐसी हरकत कर डाली कि देखकर ही हंसी आ जाए। ये तो तय है कि पुतले को चुम्मा देने वाले इन भैया को देखकर आधे से ज्यादा लड़कों ने सोच लिया होगा कि इससे तो बढ़िया है कि निब्बा निब्बे वाला खेल ही खेल लिया जाए, कम से कम फ्री में चुम्मा चाटी करने को तो मिल जाता है। लेकिन जब हमने ये वीडियो देखा तो तुरंत अपना प्लान बदल दिया, क्योंकि जनाब आजकल मार्केट में निब्बा निब्बे बनना भी आसान नहीं है। तभी तो ये दीदी और भैया जिस कार के पीछे छुपकर अपनी रास लीला रचा रहे थे, इन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि उसी कार के अंदर इनके ससुराल वाले बैठे हैं, जिन्हें देखते ही इन दोनों की ऐसी हवा टाइट हुई कि क्या बताएं। पुलिस वालों के इस नजारे को देखकर तो दिल कर रहा है कि भैया हम सिंगल ठीक हैं, कम से कम चुम्मी ना मिले, लेकिन पुलिस वालों के डंडों से तो सेफ्टी रहती है भाई। पर दोस्तों कुछ लोग सेफ्टी के चक्कर में इतने ज्यादा सिंगल हो गई हैं कि अब उन्होंने लड़की पाने की उम्मीद ही छोड़ दी और खुद ही लड़की बनकर घूम रहे हैं। लेकिन अब इस मूंछ की दुकान को ये कौन बताए कि लड़की बनने के लिए केवल कपड़े पहनना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि मूंछों की अजामत भी जरूरी है। वरना लोगों ने अगर इस हाल में देख लिया तो धोखा करने के जुर्म में डायरेक्ट अंदर पहुंच जाओगे, फिर मत कहना बताया नहीं था। चले जाने के बाद आती है। इसलिए ऊपर से मीना कुमारी और अंदर से इच्छाधारी वाला रूप छोड़ दो और कुछ ढंग का काम करो, क्योंकि लड़कियां लटके झटके दिखाने के लिए कम थी जब लड़के भी इस प्रोफेशन में उतर आए। और जब आप इतना कुछ देख रहे हैं तो गरीबों के टाइगर श्रॉफ को भी देख लो। सच में दोस्तों हमारी तो समझ से बाहर है कि आजकल इंटरनेट पर चल क्या रहा है। मतलब आदमी औरत बन गए और औरतें आदमी बनने में लगी पड़ी हैं। अब पता नहीं कौन क्या करना चाहता है। नहीं, नहीं, नहीं। भाभी जी किवाड़ को बंद कर। अरे मैडम, हरकतों में सुधार तो तभी आएगा ना जब पढ़ाई करने के लिए आप स्कूल जाएंगी। आप तो खेतों में क्लास लेती आई हैं, तो भला सुधार कहाँ से आएगा? और हम तो ये जानना चाहते हैं कि मैडम क्लास लेने जाती है या फिर घास खाने जाती है, क्योंकि जितना छोटा मैडम का दिमाग है उतनी फालतू हरकतें कर रही है। अब भगवान ही बचाए इस तरह की लड़कियों से। मतलब पापा ने जरा लाड़ प्यार क्या कर दिया, ये पापा की परियां तो हवा में उड़ने लगी। उम्र बढ़ती जा रही है मेरी, लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं आ रहा है। और हम आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि स्कूल से गोला मार कर झाड़ियों के नीचे बैठकर वही लोग पढ़ाई करते हैं जिनके पापा उन्हें लाड़ प्यार से रखते हैं, क्योंकि मम्मी की चप्पल खाने वाली लड़कियां ऐसे थोड़ी ना होती है। दोस्तों सच कहें तो इंटरनेट पर ये सारी चीजें देखकर हमारा दिल तो यही कह रहा है कि सोशल मीडिया को त्याग दो और संन्यास लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अगर हर रोज ही उटपटांग चीजें देखने को मिलेंगी तो इंसान का दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा। वैसे आपका इन अजीबोगरीब वीडियोस के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।